हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी, जो देखने में और खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। उसको देखते ही ना मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लिए 700 से 800 ग्राम चिकन, उसको मैंने अच्छे से फ्रेश वॉश कर ली है, उसकी पूरी स्किन पील ऑफ कर ली है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 2 स्टार एनिस लिए हैं, 1 जावित्री ली है, 4 लौंग लिए हैं, 3 कार्डोमम लिए हैं और 2-3 पत्ते बे लीफ ली हैं और 2 मैंने लिए ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक 6 से 7 और थोड़ा सा जिंजर और ब्लैक पेपर 4 से 5 और थोड़ा सा लिया मैंने 4 कार्डोमम ग्रीन कार्डोमम और 2 मैंने लिए हैं इसमें मीडियम साइज़ की ऑनियंस एंड टमाटोस और मैंने ड्राई स्पाइसेस 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया टर्मरिक, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, जो टेस्ट को बहुत बढ़िया कर देता है। तो उसके बाद मैंने लिया है, फिर मैंने इसके जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को चॉपर में चॉप कर दिया है। याद रहिए दोस्तों, इसको चॉप करना है, इसको पेस्ट नहीं बनाना है। पेस्ट बनाने से ना वो टेस्ट नहीं आता। फिर इसमें मैंने कढ़ाई में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल, फिर मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जैसे बे लीफ, सबसे पहले बे लीफ डाला, फिर जावित्री, फिर क्लोव, फिर ग्रीन ब्लैक कार्डमम, ब्लैक पेपर, ग्रीन कार्डमम एंड लास्ट में स्टार एनिस, जो बहुत टेस्टी है। और फिर मैंने ग्रीन जो पेस्ट बनाया था चॉप करके वो मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने डाला है प्याज, बारीक नहीं चॉप किए, बड़े बड़े साइज़ के रखे हैं, उसका टेस्ट अलग ही आता है, अच्छा लगता है टेस्ट। फिर इसको धीरे धीरे उसको चला देना है, 5 से 10 मिनट तक उसको चलाना है। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है टमाटोस, जैसे ही हम टमाटोस डालते हैं उसके बाद हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होता है कि जो उसका जो पानी होता है प्याज का टमाटोस का, वो एकदम से छोड़ देता है पानी और वो मसाले में अच्छे से भुन जाता है। फिर ड्राई स्पाइसेस डाल दी हैं, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला और तो बाद में थोड़ा सा इसके बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट को हमेशा अपने स्वाद अनुसार डालना है, आप टेस्ट कर लीजिएगा ये टाइम पे कि सॉल्ट ठीक है या ठीक है। फिर देखिए, जैसे ही मसाला भुनता है 10 से 15 मिनट के बाद, वो मसाला की पहचान है कि वो अपना साइड में ऑयल छोड़ना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन रहा है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला है मसाले को अच्छे से भुनने के लिए, 4 से 5 चम्मच मैंने उसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, जले ना। फिर इसके बाद फिर हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैंने ऐड कर दिए हैं सारे चिकन पीसेस जो मैंने अच्छे से वॉश किए थे और इसकी स्किन मैंने अच्छे से पील ऑफ कर दी है और फिर इसको मैंने अच्छे से चलाया है। और याद रही दोस्तों, ये टाइम में हम इसको पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है कि जो कुकिंग के लिए सफिशेंट है। देखिए वो पानी छोड़ रहा है, साइड में आप देख सकते हैं और उसका कलर कितना अच्छा आया है। मैंने इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं डाला है, सिंपल रेसिपी। और देखिए फिर इसके बाद हम इसको में फ्रेश धनिए के साथ, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि थोड़े से ग्रेवी चाहिए थी मेरे को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बस फिर मैंने उसको सर्व किया है धनिए के साथ और रेडी टू ईट एंड देन रेडी टू सर्व। और आप इसको खाइए और खिलाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।